और स्पीड न्यूज 100 में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ऑस्कर के लिए गुजराती फिल्म द गुड रोड भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर भेजी गई है, जबकि रेस में लंच बॉक्स और भाग मिल्खा भाग भी शामिल। अगले हफ्ते के आखिर तक दिलीप साहब को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। करीना कपूर शादी के बाद अपना पहला जन्मदिन लंदन में सैफ अली खान के साथ सेलिब्रेट कर चुकी हैं। आज करीना का 33वां जन्मदिन है। शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन इन दिनों दुबई में स्काई डाइविंग का मजा ले रहे हैं। दोनों हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के लिए वहां गए हैं। कटरीना कैफ ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज 10 साल पूरे कर लिए हैं। कटरीना ने 2003 में फिल्म बूम से बॉलीवुड में कदम रखा था। ये जवानी है दीवानी के बाद रणवीर दीपिका की जोड़ी इम्तियाज अली की फिल्म विंडो सीट में दिखेगी। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है। यश चोपड़ा के जन्मदिन को उनकी पत्नी पामला चोपड़ा यादगार बनाना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि इस मौके पर उनकी फिल्मों की 9 लीडिंग हीरोइन रैंप पर वॉक करेंगी। आमिर खान इन दिनों फेसबुक और ट्विटर पर हंसल मेहता की फिल्म शहीद के जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। आमिर कई शहरों में जाकर शहीद का प्रमोशन कर रहे हैं। ग्रैंड मस्ती के बाद अब मस्ती थ्री की बारी है। ग्रैंड मस्ती की सफलता से खुश निर्माता निर्देशक 6 महीने के अंदर ही इसका सीक्वल लाने वाले हैं। अब धारावाहिक महाभारत में महादेव की एंट्री की तैयारी चल रही है। खास बात यह है कि महाभारत में अब महादेव के किरदारों का गेस्ट रोल होगा।